यूपी के शाहजहांपुर में कोर्ट परिसर में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। घटना शाहजहांपुर के थाना सदर बासा क्षेत्र के जजी कोर्ट परिसर की है और यहां न्यायाधीश के कोर्ट के ऊपरी मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम में वकील भूपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। गोली लगते ही कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कोर्ट में काम चल रहा था। राणा फसाई जो बातें आ रही हैं उनमें ऐसा बताया जाता है कि सुरेश कुमार गुप्ता हैं, ये भी पहले अभी 2020 में वकील हुए हैं, उसके पहले इनका कोचिंग वगैरह कुछ चलता था। और सुरेश कुमार गुप्ता भी 2019 में वकील हुए हैं। इन दोनों के बीच में 7-8 मुकदमे पहले से इसी मकान की किराएदारी को लेकर शायद हैं, अभी चल रहे हैं। इसी सिलसिले में शायद ये पता भी करने आए थे बाबू से, जो सूचना इनको चाहिए थी। आगे PM में जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। प्रणय फसाई ऐसा अभी लगता है कि क्योंकि वो उनके पास में कट्टा भी मिला है और जो चोट है वो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक लगती है। एक वकील साहब को ऊपर गोली लग गई है, मार दिए गए हैं। देखने आया तो वहाँ पर उनके पास में नाजायज तमंचा पड़ा हुआ है और उसी पास में डेढ़गाड़ी पड़ी हुई है। भूपेंद्र सिंह वकील साहब हैं जो पहले बैंक में सर्विस करते थे, उसके 4-5 साल से यहाँ।